रायपुर में युवक युवती परिचय सम्मेलन आदर्श विवाह कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की है, देखिए लाइव तस्वीर। समाज के संरक्षक श्री हेमा मिश्रा जी, राज पिछड़ावर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू राम मिश्रा जी, धीवर समाज महासभा के अध्यक्ष श्री सुरेश धीवर जी, गहरा समाज के प्रदेश के अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार राकेश जी, भुवनलाल अवसरिया जी, प्रदेश अध्यक्ष मल्हार समाज श्री आनंद निषाद जी, रवि निषाद जी, हरिशंकर निषाद जी, कृपाराम निषाद जी, हमारे माना मंडल के अध्यक्ष रविन्द्र सिंह ठाकुर जी और निषाद समाज के मंच में विराजमान सभी पदाधिकारीगण, पूरे प्रदेश से निषाद समाज के सभी जिलाध्यक्षगण और ये समारोह में उपस्थित निषाद समाज के पूरे प्रदेश से आए सभी सज्जनवीन, मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और अमर मीडिया के साथी भाई मन, सबके लिए पहले मैं पूरे समाज के हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मोर छत्तीसगढ़ी थोड़ा शुद्ध नहीं रहे, काबर की मैं जसपुर के रहैया हूं, तो हमारे झारखंड लगे से तो थोड़ा झारखंडी भाषा के भी सादरी के भी असर हो जाते, लेकिन सुने में आप लोग अच्छा लगी। बाद में समाज के भी आभार व्यक्त करना चाहूं कि आज समाज के समारोह में आपन आमंत्रण करो और बड़े बड़े गजमाना में स्वागत करे हो, तो कर लिए बहुत बहुत समाज के धन्यवाद। और आज मोर सौभाग्य कि समाज के 12 जोड़ी के शादी संपन्न हुई से और ऐसे जोड़ीला आशीर्वाद देने के अवसर मिली से, तो मैं पुनः ऐसे 12 जोड़ी जीवन के शादी संपन्न हो रही, जीवन के आशीर्वाद है पुनः उमला में माइक द्वारा उमर के आशीर्वाद देता हूं, उनके शुभकामना देता हूं, उमर के जीवन मंगलमय हो, उमर के जीवन सुखमय हो। और ये बहुत अच्छा निषाद केवट समाज के प्रयास है, इस तरह से आप मन सामूहिक विवाह के आयोजन करते हो। और जैसे हमारे मोतीलाल साहू जी कहते रहे कि समाज के कितनों बड़े भी व्यक्ति हो जाए लेकिन अपन बेटा बेटी के शादी करतीस तो इतना बड़ा समाज नहीं जुड़ पातीस जितना आज ये समाज जुटी से, तो ये समाज के कारण ही संभव हो पाते। और समाज बहुत बड़ी चीज होती है और समाज में सबो बराबर रहते, कोई छोटा बड़ा नहीं हो समाज में, ऐसा इस समाज। और कोई एक समाज इस तरह से अगर सम्मेलन करके कार्यक्रम करके मजबूत होते, एकजुट होते, तो ओकर फायदा खाली समाज ना नहीं मिले बल्कि पूरा देश ला कर फायदा मिलते। अगर कोई समाज संगठित हो तो राष्ट्र भी बलशाली हो, तो एक तरह से राष्ट्र के बलशाली करे के काम आप उनके केवट निषाद समाज करते, करने भी मैं पूरे समाज के धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज कोई भी समाज आगे बढ़े पर शिक्षा के बड़ा आवश्यकता है, हमारे विद्वान मन कही ने कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है, कोई भी क्षेत्र में अगर विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा और ये डिग्री हासिल करना खाली नौकरी प्राप्त करने के माध्यम न है बल्कि कोई भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है
अच्छा से व्यापार भी करना है, अच्छा से किसानी भी करना है, अच्छा से समाज सेवा भी करना है, अच्छा से राजनीति भी करना है, कोई भी क्षेत्र हो उन्हें अच्छा काम करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और एक शिक्षित और एक अशिक्षित दोनों के जीवन में जमीन और आसमान के अंतर होते हैं। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, ऐसा हमारे विद्वान मन कहीं है। तो मैं गुहा निषाद समाज केवट निषाद समाज से आग्रह करना चाहूंगा, पूरा प्रदेश के यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं, जो समाज के खेवैया हैं वो सब बैठे हैं, कि समाज में शिक्षा के महत्व का समझ के हर घर के बेटा बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त करें, कर चिंतन होना चाहिए। और आज कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हर समाज में देखा जाए तो युवा पीढ़ी कहीं नहीं भटकत है आज, चाहे वो मोबाइल के चक्कर हो, चाहे वो नशाखोरी के चक्कर हो। आज हम देखें कि जितना एक्सीडेंट वगैरह होते, दुर्घटना होते, तो में देखा जाए तो ज्यादा युवा पीढ़ी हो, तो माता पिता मन के थोड़ा नजर अपन बाल बच्चा में भी होना चाहिए कि बेटा बेटी ठीक से पढ़त है नहीं पढ़त है, समय में घर आते हैं जात है, काकर साथ में उनके संगति है, बैठना उठना काकर साथ में है, सब ला भी माता पिता ला थोड़ा देखना चाहिए। वे सब करेले निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ी। और आज हमारे कुंवर जी बता थे मोरा झारखंड दौरा रही थे, चुनाव प्रचार वहां चलते थे, दो चरण में चुनाव, एक चरण के तो होगी से 13 तारीख के 20 तारीख के दूसरा चरण में, तो आज दूसरा चरण में मोर ड्यूटी लगे रही, लेकिन कोई कारण से वो स्थगित होगी और मोला सौभाग्य मिली आप उनके बीच में आए के आप उनके दर्शन करना रही मोला, इसलिए वो कार्यक्रम हर अभी थोड़ा सा कमजोरी भी चलत है, अभी मैं इलाज कराते आए हूँ। मोती लाल जी हमारे विधायक बैठे रहे तो तुरंत में वो डॉक्टर मन ऐसा मन चढ़ाए रही ने, तो फिर बाद में आए हूँ तो थोड़ा सा बोले में भी तकलीफ होते, इसलिए और ज्यादा नहीं बोलते हुए आप उनके समाज के आशीर्वाद हमारा मिले, हमारे सरकार ला मिले। अभी 11 महीना हुई से सरकार के, लेकिन मोदी जी की जो गारंटी है ओला हम पूरा करने के प्रयास करा था, चाहे वो किसान मन के वादा, चाहे 70 लाख हमारे महतारी के महतारी बंधन योजना में 1-1 हजार रुपया देने के वादा, या प्रधानमंत्री आवास गरीब मल्ला देह के वादा, 2 साल के बकाया बोनस रही से 3716 करोड़ रुपया होकर वादा, हमारे आदिवासी भाई बहनों के तेंदू पत्ता के दाम 4,000 से 5,500 उनके बोनस, ये सब कामला हमारे सरकार अभी 10-11 महीना में करी से। और आप मन गुहा निषाद राज के वंशज हो, और गुहा निषाद राज भगवान राम ला भी गंगा पार कर रही, उनके चरण धो के नाव में बैठा के, तो ऐसा ही समाज है, तो ये समाज के विकास में भी हमारे सरकार चिंता करत है, हमारे भारत सरकार भी, प्रदेश सरकार भी, और किसान के